उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव चंद हफ्तों के बाद होने हैं। ऐसे में जहां कई राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में लाने के लिए जनसभाओं से लेकर रथ यात्राएं निकाल रहे हैं, तो ऐसे में सत्तारूढ़ भाजपा भी कहां पीछे रहने वाली है। भाजपा 4.5 साल के अपने लेखा जोखा के साथ जनता के बीच में जन विश्वास यात्रा निकाल रही है। अब इस यात्रा के समापन का समय भी आ गया है। मुख्यमंत्री की अगुवाई में रामपुर में इस यात्रा का समापन किया गया है। ये 599.18 करोड़ की योजनाएं, विभिन्न परियोजनाएं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास, जिनका 89.57 करोड़ रुपए की टोटल 9,556.68 करोड़ की योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से बटन दबा के इन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। प्रस्तावित योजनाएं हैं और जो कार्य पूरे हो चुके हैं उनका लोकार्पण। हम रामपुर की भूमि में उनका आप सबकी जोरिया तालों के बीच बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आप सबके बीच अपने को पाके अत्यंत प्रसन्न है और सबका साथ सबका विश्वास इस आपकी ओर साथ लेकर चलने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके अंदर सपने और कारक को साधने की एक अनुपम क्षमता है। मैं सभी को साधन आपका स्थान ग्रहण करने का अनुरोध करती हूँ कि इसके उपरांत ये बड़ी माला से वो माला जिसमें हम सबका रामपुर वासियों का उसकी एक एक पंखुड़ी में सबके प्रति सम्मान। और इस बड़ी माला के अंदर सबका स्वागत और अभिनंदन। हम सब की तरफ से जोरदार तालियों से हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये बड़ी माला, इसका एक एक फूल, उसकी एक एक पंखुड़ियां हम सब रामपुर वासियों का माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार, स्वागत, अभिनंदन। और अब मैं अनुरोध करती हूँ श्री मोहित बेनीवाल जी से कि अनुवस्त्र उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब की तरफ से स्वागत करें, अभिनंदन करें। और इसी क्रम में, स्वागत के ही क्रम में मैं अनुरोध करती हूँ माननीय बलदेव सिंह औलख जी से, माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री जी से कि वो आए और सम्मानित मंच का स्वागत करें।
हमारे प्रदेश के मुखिया और उत्तर प्रदेश के उत्तम प्रदेश बनाने वाले हमारे आदरणीय सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय भूपेंद्र जी, सांसद आदरणीय सतीश गौतम जी, आदरणीय महेश शर्मा जी, आदरणीय अभय जी, सूर्यप्रकाश पाल जी, ख्यालीराम जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए मेरे इस बिलासपुर की विधानसभा और रामपुर से आए लोग सभी मेरा सम्मानित बुजुर्गों साथियों नौजवान साथियों, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं मानिए मुख्यमंत्री जी का सिर्फ आप सबकी बिलासपुर की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर बिलासपुर की विधानसभा का कोई केंद्र है और एक ऐतिहासिक यहाँ पर मंदिर है जिसपे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 44 लाख रुपए का ग्रांट दिया है। मैं सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना कहना चाहता हूँ कि आपका इस विधानसभा में बहुत कृपा रही है, इस विधानसभा में बहुत आपका आशीर्वाद रहा है। मेरे विधानसभा में 3 नदियां हैं, तीनों नदियों में 10 पुल आप देने का काम किया है, आपने सड़कें चौड़ीकरण करने का काम किया है, आपने ओवरटेक देने का काम किया है, आपने बोरिंग देने का काम किया है, आपने पर्यटन विभाग से एक बहुत बड़ा सुंदर पार्क देने का काम किया है। मैंने जो मांगा आपसे वो आपने मुझे दिया, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इस धरती पे आपका अपनी जनता की तरफ से मैंने आपको कितना कहना चाहता हूँ कि 2017 से पहले लोग सड़कों पे झाल लगाया करते थे, सड़कों का टूटी फूटी सड़कें रहती थी, आपके द्वारा सड़कों का निर्माण हुआ, बिजली गली आपके सामने 2 किलोमीटर पे आपने 765 केवी का जो बिजली कर दिया 1200 करोड़ का, पूरी यूपी में सिर्फ 2 गए थे, वो आपकी कृपा से आपने एक मेरी विधानसभा में दिया। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं बिलासपुर की जनता की तरफ से आपका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ भगवान से कि जहाँ से यात्रा चालू हुई है मुदरकुटी से और एक बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है बाबा शिव का और यहाँ पर आपके द्वारा समापन हो रहा है, भगवान आपको 2022 में बहुमत के साथ आपको फिर मुख्यमंत्री बनाए और आप फिर इस प्रकार में आए, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय आपकी प्रेरणा पाकर जिला प्रशासन ने सहभागिता व विभिन्न विभागीय योजनाओं के कन्वर्जेंस के माध्यम से पिछले 2 सालों में राजकीय बाल गृह का जीर्णोद्धार कराया, जिसका परिणाम हुआ कि उसे ISO प्रमाण पत्र मिला। ये ISO प्रमाण पत्र पाने वाला रामपुर पहला जिला बना उत्तर प्रदेश में। अपने हाथों से आदरणीय सीडीओ मैडम को, डीएम सर को माननीय ये सम्मान देकर, ये प्रमाण पत्र देकर उन्हें अपना आशीर्वाद दे। आपकी प्रेरणा, बच्चों के प्रति आपका लगाव, ये कार्य संपन्न हो चुका। हमारे बीच आशीष सक्सेना जी अपना स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान करेंगे। जन विश्वास यात्रा के सहकर्मी सहयात्री जगह सर माननीय मुख्यमंत्री जी ग्रुप फोटो करवा रहे हैं, हम सब बहुत अभिभूत हैं सर आपको अपने बीच में दोबारा इतनी जल्दी पाकर, इस आशा और विश्वास के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे के जनपद रामपुर स्थित रडौना मंदिर पहुंचे। यहां पर उन्होंने पूरे प्रदेश में घूमने वाली जन विश्वास यात्रा का समापन किया। इसके बाद उन्होंने तयशुदा कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यकर्ताओं और समर्थकों की जनसभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री सभा में शामिल होने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। योगी के कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम एकत्र हुआ। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के जवान भी चौराहों से लेकर सभा स्थल तक मुस्तैदी के साथ डटे रहे। मुख्यमंत्री ने यहां पर 95 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया है। वहीं वे अपने विरोधियों पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के आवास में आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को, सहारनपुर में दंगाइयों को बुला करके सम्मानित किया जाता था, लेकिन 2017 के बाद
मुख्यमंत्री आवास में किसानों का सम्मान होता है और गुरुवाणी का पाठ होता है, यही अंतर है। जिस मुख्यमंत्री आवास में 2017 के पहले पेशेवर दंगाइयों को और अपराधियों और माफियाओं को सम्मानित किया जाता था, वही मुख्यमंत्री आवास आज उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सम्मान करने का एक माध्यम बना है। और वही मुख्यमंत्री आवास में आज इस देश के अंदर अपनी जवानी को लुटाने वाले गुरु गोविंद सिंह जी के चार साहबजादों के सम्मान और के कार्यक्रम को और उस अवसर पर गुरुवाणी के पाठ और कीर्तन के कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की तस्वीर 2017 के पहले क्या थी, ये किसी से छुपी भी नहीं है। और फिर रामपुर से ज्यादा कौन इसको जानता है। हमने एक जनपद एक उत्पाद की अपनी एक अभिनव योजना देश के अंदर चलाई। और जब इस योजना को हम चला रहे थे तो मैंने देखा रामपुर के लिए ढूंढे ढूंढे कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन अंत में रामपुर का एक ही चीज मिला और मिला रामपुर का चाकू। लेकिन इस चाकू का उपयोग कैसे करना है तो मुझे गुरु परंपरा याद आई। अगर अच्छे लोगों के पास शस्त्र होगा तो देश और धर्म की रक्षा के लिए उसका उपयोग करेगा, लेकिन गलत लोगों के हाथों में होगा तो लूट खसोट और गरीबों की दलितों की संपत्तियों पर कब्जा करने में उसका दुरुपयोग करेगा। और रामपुर की ये चाकू जो कभी रक्षा के काम आती थी, जिसके कारण इसका नाम रामपुर पड़ा था, समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों की जमीनों पर गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करने का वो माध्यम बन गया था। और इसीलिए जिसने जैसे किया उसको उसका फल भी दे दिया गया। को कहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने तो पहले ही दिन कहा था, हम लोगों ने कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। भैया बहनों, जीरो टॉलरेंस का मतलब यही था कि अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है, गरीबों की संपत्ति को जबरन कब्जा किया है, और अगर किसी ने प्रदेश के अंदर व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा किया है तो संपत्ति को वापस उस गरीब को या तो सरकार देगी, और अगर सरकारी संपत्ति है तो वह संपत्ति वापस सरकार देगी। और इसके लिए सरकार ने आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं करती कोई उसमें। अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता, तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग दो। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां, यहां तो जनता से एक तरफा वसूली होती थी। आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के हर एक गरीब की झोपड़ी में भी और राजमहल में रहने वाले व्यक्ति के घर में भी बिजली हर समय चलती हुई दिखाई देती है। पहले गरीब के लिए आने वाले आवास का पैसा, बिजली का ये पैसा, शौचालय का एक पैसा कहां जाता था, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, एक सप्ताह पहले आपने नोटों की गड्डियों के पहाड़ जेसीबी से निकालते हुए देखा होगा,
कैसे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं के घरों से नोट की गड्डियां निकल रही हैं। ये नोट की गड्डियां खेत और खलिहानों में नहीं पैदा हो रही है, ये जनता की कमाई पे डकैती डाल करके विकास के कार्यों को अवरुद्ध करके जो अनैतिक तरीके से इन्होंने संपत्ति अर्जित की थी, ये वही पैसा है, वही पैसा आज निकाला जा रहा है। ये वही पैसा है जो आज उनसे वापस लिया जा रहा है। कैसे लूट रहे थे आप सोच सकते हैं, ये लोग अपने पूरा बंदोबस्त किए हुए हैं, इनको उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं, गरीब से कोई मतलब नहीं, नौजवान से कोई मतलब नहीं, बहन बेटियों से कोई मतलब नहीं। नौजवान के लिए पहले नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजे का पूरा गैंग वसूली पे उतर आता था, और भाइयों बहनों उसके बाद होता क्या था, भर्ती होती थी विवादित, न्यायालय लगाता था इसके, और उसके बाद नौजवान की भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता था। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, आज तो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज मैं पूछ रहा था, आज मैं देख रहा था, आज बबुआ बोल रहे थे कि अगर हमारी सरकार होती तो हमारी सरकार भी भव्य राम मंदिर बनाते। अरे मैंने कहा कब्रिस्तान बनाने से फुर्सत होती तो राम मंदिर के बारे में सोचते। जब उनकी सरकार थी, याद करिए, राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग आज कहते हैं कि अगर हम भी सत्ता में होते तो हम भी राम मंदिर का बना देते हैं। ये बदलाव है, ये आपकी ताकत है भाइयों बहनों, आपकी ताकत है ये, आपके वोट बैंक की ताकत इनको नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर रही है। और जिस दिन आप चाहेंगे ये लोग नाक रगड़ करके आपके पास आएंगे कि 1990 के राम भक्तों पर चलाई गई गोलियों के लिए माफी मांगते हैं, इनको कहना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए अपने कृत्यों के लिए। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग आज कहते हैं कि अगर सत्ता में रहते तो हम भी राम मंदिर का निर्माण कर देते, तो फिर सकीबुल रहमान वर्ग क्या करते, क्या करते ये लोग, ये जो गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले लोग क्या करते। फिर आज आपने भारी संख्या में यहां पर उपस्थित होकर के सरदार कुलदीप सिंह ओलख जी को समर्थन किया है, पिछली बार जब विधानसभा चुनाव में मुझे यहां आना था तो मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया था, याद है ना। तो मैं तो उस समय यही सोच रहा था कि हो सकता है कि ओलख जी ने ही ना उतरने दिया हो, लेकिन बाद में जब मैं यहां से वापस बागपत पहुंचा तो इनका फोन आया कि मेरे यहां तो सभा होनी थी। मैंने कहा मैं तो सोच रहा था कि आप ही ने गलत कोऑर्डिनेट मुझे दे दिए थे और से जहां ढूंढ ही नहीं पा रहा था, लेकिन भाइयों बहनों आज आपका स्नेह हमें यहां पर लेके आ गया है, और यहां पर आपने सरदार बल्लेव सिंह ओलख जी के नेतृत्व में, श्रीमती राजबाला जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों के नेतृत्व में इस जन विश्वास यात्रा का जो ऐतिहासिक स्वागत किया है, मैं इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। भगवान।
इसीलिए धंधे कमाल के हैं, इसीलिए रामपुर से इंशाउर रहमान खान के साथ तासीन मोहम्मद फयाज खान। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे।